लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रसाद पांडे और हमारी पुत्री धर्मानुसार पति पत्नी। भगवती तो अब शिक्षा के लिए गुरुकुल चला जाएगा, इसकी शिक्षा पूर्ण होती हम इसका गौना कर देंगे। नीलकंठ जी, मैं तो बंबई जाके अपनी बेटी को सनातन पुत्री पाठशाला में डालती हूँ। बंबई जाकर समझी जी हम लोगों को बोलना चाहिएगा। अरे अपने समधी शंभुनाथ को भगवती शिक्षा पूर्ण करके वो लौट रहा है, ये समाचार तो उनको दे दो। वो तो शहर जाकर शहर के ही हो गए। बटलर, यस सर।
हमारा नाश्ता लगा। बॉय टी कॉफी? कॉफी। ओके सर। ठीक है ठीक है। पैमला की माँ, पैमला की माँ अभी आई। जल्दी करो जल्दी, मुझे बहुत देर हो रही है। कमान कमान हरे है। ठीक है ठीक है। धर्म कर्म जैसी तो कोई चीज ही आपको याद नहीं। पहले चरना मत ले लो, फिर नाश्ता करो। चरना मत मैं कर ले दूंगा, अभी मेरे मुंह में अंडा जा चुका। जन्म से हरिद्वार का पंडा और मुंह में मुर्गी का अंडा। कलयुग आ गया कलयुग। ओहो, एयर कंडीशनर चल रहा है, अभी पंखा चल के मेरे अंडे ठंडे मत करो। अरे राम, मुझे तो अपना धर्म भी नहीं निभाने देते। कहिए आपकी लाडली पार्वती सुबह से कहां गोल है? देखो जानकी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि उसका नाम पार्वती नहीं पैमिला है। पैमिला पैमिला असल असल होती है और नकल नकल। ना तो आज तक शहर में आकर नकली घी खाया है और ना अपनी बेटी का नकली नाम अपनी जुबान से निकाला है। मेरे शरीर में असली पंडों का लहू है। मैं तो जवान बेटी के लक्षण देख देख कर सबर के घूंट पी रही हूँ। बस तुम सबर के घूंट पीते रहना और चाय कॉफी कभी मत पीना। आग लगा ऐसे चाय कॉफी को और नए जमाने की हवा। पार्वती पहले घोड़े की सवारी किया करती थी, आपने उसे फटफटिया ले दिया है। बताइए जवान लड़के फटफटिया पर बैठे अच्छे लगते हैं? अब ये शहर है, रेगिस्तान तो है नहीं। रेगिस्तान होता तो मैं बेटी को ऊंट पे बिठा देता। अरे वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। अगर ऐसा ही वक्त चलता रहा ना तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय पहले बात जरा सी थी अब इतनी बड़ी हुई है। पापा रे पापा रे पापा पापा रे पापा रे पापा पापा वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। पहले बात जरा सी थी अब इतनी बड़ी हुई है। पापा रे पापा रे पापा 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 पापा हो गया मुझसे जोश जवानी में एक उल्टा काम। हो गया मुझसे जोश जवानी में एक उल्टा काम। हर किसी से हो सकता है इट्स नेचुरल लेकिन आहा हा अब तो हो गई। लेकिन आहा अब तो हो गई मेरी दिन की नींद हराम। दिन की नींद? अबे नींद तो रात की होती है, दिन की नहीं।
नो। रात को मैं शो करता हूँ और दिन को सोता हूँ, इसलिए। लेकिन हाँ, अब तो हो गई मेरी दिन की नींद हराम। खाने भी न दे, पीने भी न दे, आने भी न दे, जाने भी न दे, खाने देना, पीने देना, आने देना, जाने देना, रोने देना, गाने देना, मरने देना, जीने दे, यहाँ तक के दिल किसी और से लगाने भी न दे। ऐसी एक जिद पे वो अड़ी हुई है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। पहले बात जरा सी थी, अब इतनी बड़ी हुई है। तौबा, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। पहले बात जरा सी थी, अब इतनी बड़ी हुई है। तौबा। जो पीता है शराब तो सुरूर हो ही जाता है, नशा आखिर नशा है, कुसूर हो ही जाता है। वो उलझी थी मुझसे, मैं उलझा था उससे। वो उलझी थी मुझसे, मैं उलझा था उससे। तो उलझन में कुछ ना कुछ जरूर हो ही जाता है। मुंह मांगा दाम ले ले, दाम नहीं तो काम ले ले। इज्जत है तेरी भी, आबरू है मेरी भी। शोर क्यों मचाती है, फांसना क्यों चाहती है, देती है दुहाई क्यों, जग में हंसाई क्यों। वो भी भली मैं भी भला, वो भी भली मैं भी भला, आज ही करे फैसला। शायद वो आ गई, पता मेरा पा गई। अरे शायद वो आ गई, पता मेरा पा गई। अखियों के सामने देख लो वो खड़ी है। वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, पहले बात जरा सी थी, अब इतनी पड़ी हुई है। तौबा, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, पहले बात जरा सी थी, अब इतनी पड़ी हुई है। भगवती प्रसाद पांडे अपनी शिक्षा पूर्ण करके पधार रहे हैं। हमारी बहू को शुभ समाचार देकर साथ ले आए। पत्र को तार समझना। हे प्रभु, प्रभु जय हो तुम्हारे, जय हो प्रभु। अजी सुनते हो, अजी हो पार्वती के पिता, सुनते हो? क्या बात है, बड़ा टेस्ट कर रही है। हटो जी, शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी, वो घड़ी आ जा गई। लेकिन ये घड़ी कहाँ है, तो पोस्ट कार्ड है। ओफो, पढ़ के तो देखो, हिंदी बड़े बहुत जमाना हो गया। आय हाय हाय, जैसे हरिद्वार में अंग्रेजी पढ़ा करते थे। लो पढ़ो। लो जी, पढ़ के सुना देते हैं। दादी, आज आप इस जोर से किस बात पर हंस रहे हैं? बिटिया रानी, बेटी की विदाई पर कौन बाप खुश नहीं होता। लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं ना, तुम जा तो कहीं नहीं रही हो। ये देखो, क्या देखो, देखो ये तो क्रिसमस या न्यू ईयर का ग्रीटिंग कार्ड नजर आता है। शंभुनाथ पांडे, पांडे हर हर गंगे, हर हर महादेव। समाचार ये है कि हमारा सुपुत्र भगवती प्रसाद पांडे शरद पूर्णिमा के मुहूर्त पर अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर पधार रहे हैं। अपने निवेदन है कि हमारी बहू को ये कुशल समाचार देकर उसे अपने साथ लेकर यहाँ पधारे। पार्वती, ये तेरे घर के कलेश है। तेरा पति गुरुकुल शिक्षा पूर्ण करके घर आ रहा है, इसलिए तुझे बुलाया है। गुरुकुल पति, क्या कह रही हो मम्मी? ओहो, मैं तुझे कई बार कह चुकी हूँ, छह बरस की थी, तेरी शादी हो गई थी। गलत।
शादी वादी कुछ नहीं हुई थी, तुमने गोलमाल करके एक नाटक खेला था। क्या कहा, नाटक खेला था? हम पंडे लोग हैं, किसी को दिया हुआ वचन कभी नहीं त्याग सकते। पत्र को तार समझना, तार समझना। बच्ची के कानों में जहर मत घोलिए, बल्कि इसे समझाइए कि गाने की तैयारी करे। महागुरु का आशीर्वाद। पैमेला की माँ, मेरी बच्ची उन पंडों के घर में जाके नहीं रह सकती, वो एक मजाक सा हो गया तो हो गया। श्रीकांत पांडे, तू चुप रह, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता, संजोग पिछले जान से लिखे होते। अच्छा अच्छा अच्छा, चला मत। अच्छा बेटी ये बताओ, तुम घाघरा चोली पहनकर उन हरिद्वार के पंडों में रह सकोगी? कभी नहीं। नहीं कभी नहीं, सुन लिया तुमने? हाँ हाँ सुन लिया। ऐसे दिस भरे शब्द सुनने से पहले तो मैं मर जाती तो अच्छा था। जैसा बाप वैसी बेटी, जैसा पेड़ वैसी छाया। तू चाहे कुछ भी कर ले, मगर मैं तुझे हरिद्वार ले जाकर ही रहूंगी, समझे? मम्मी जरा सोचो, मेरी जैसी लड़की उन पंडों में जाकर रहेगी? मेरी जिंदगी पर सिर्फ आपका हक नहीं, मेरा अपना भी है। तेरी शादी हो चुकी है, और आप भी सुन लीजिए, इसे अपने पति के घर जाना होगा, और आज ही जाना होगा। जानकी, जमाना बदल चुका है, आजकल इंसानों की जोड़ी गाय बकरी की तरह नहीं बनाई जा सकती, पहले प्यार होता है फिर शादी होती है। अगर यही बात है तो आप भी अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, मुझे इस घर में नहीं रहना, इस घर में तो क्या, इस संसार में भी नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। जानकी जानकी जानकी, ठीक है ठीक है, देखा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी पन्नों घर में करना नहीं चाहता। हेलो, हाय पैम, यस शी इज देयर फॉर यू। हाय पैम, क्या बात है? तुम तो जानती हो ना वो बचपन की शादी का मजाक, वो अब सच होने जा रहा है। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती हरिद्वार ले जा रही है। हरिद्वार? मैं अगर वहाँ गई तो हमेशा के लिए वहीं ना रहना पड़े। लेकिन ललिता, वो लोग वैसे ही सीधे, उन्हें उल्लू बनाने में देर नहीं लगेगी। तू अगर मेरा साथ दे तो हम एक दो दिन वहाँ रहकर वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? Hey, listen, मैं भी दिल्ली आ रहा हूँ शो करने, I'll see you later there. अरे जिंदगी भर सोडे और नल के पानी के साथ विस्की पीते पीते थक गए, अब जरा गंगा जल के साथ पीकर देखें, माइंड गेट अ होली टेस्ट है। गुड रॉकी, प्लीज कम, लेट्स गो पैम, मैं मम्मी को अभी खुशखबरी सुनाती हूँ। बाय। मैं तेरे चरणों में आ रही हूँ, क्योंकि तेरे प्राणी अपने संस्कारों को भूल चुके हैं, अपना वचन भूल चुके हैं। हे प्राणनाथ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा के बिना आत्महत्या कर रही हूँ। अब आपसे अगले जन्म में मेल होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मम्मी, मम्मी ये क्या कर रही हो? मर रही हूँ। मम्मी नीचे उतरो। नहीं, मुझे मरने दो। मम्मी, किसी दिन मैं देर से आई तो सचमुच लटक जाओगी। चुप रहे, पिताजी सुन लेंगे। मम्मी, मैं हरिद्वार जाने की तैयारी करके आई हूँ और तुम ऊपर जाने की तैयारी कर रही हो? सच कह रही हो पार्वती? मेरे बेटे, तेरे पिताजी मान गए? मम्मी, तुम उनकी जिद तो जानती हो, मैं उनके लिए चिट्ठी छोड़े जा रही हूँ। हाँ। अपने आप उनकी भी आंखें खुल जाएगी। चिट्ठी मिली और हमने गाड़ी पकड़ी। बड़ी कृपाती, बहू कहाँ है बहन जी? आपके सामने तो खड़ी है, चरण वंदना करो। हाय डैड, हम होम। हमने बहू का मुंह देख लिया। झुककर प्रणाम करो ना। मम्मी, झुकने से मेरे बैंक की क्रीज खराब हो जाएगी। अंकल ने तो मुंह फेरी रखा है। ललिता, तू छू लेना। मॉर्निंग अंकल। पार्वती, अच्छा अच्छा ठीक है, हटो, मैं ही छू लेती हूँ, ये लो बस। अखंड सौभाग्यवती हो, हम मंदिर में जाकर बहू का मुंह देखने का प्रायश्चित करेंगे। बाबू, तुम तो लक्ष्मी का अवतार,
फिर रेलगाड़ी के गार्ड बाबू का भेज क्यों बना रखा है? और तुम फूल से जंपर पहन कर आई हो, पेटीकोट कहाँ है? आंटी वो पेटीकोट तो पेटी में है। ये देखिए अंग्रेजी तबला और सरंगी। अंग्रेजी हो या हिंदुस्तानी, संगीत का शौक तो है मेरा, भगवती पक्के रात गाता है। आइए बहन जी अंदर चले। माँ जी माँ जी माँ जी, पेटी 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 पेटी। अरे 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 मेरी माँ की लाली का क्या हो रहा जी? बिल्कुल शुद्ध बिजली, एसी या टीसी? बिल्कुल देसी। चिंता मत करो जी, कौन सा पक्का रंग है, हरिद्वार के पानी से सब धुल जाएगा। अरे ये बिजली दीदी दीदी क्या कर रही हो? अरे इसको हाथ मत लगाना, ये बड़ी जोर से धक्का मारती है। अरे इसके धक्का मारने से पहले मैं तुझे धक्का मारूंगी। पानी ये म्यूजिक बजते ही हरिद्वार की काया डोलेगी। अरे ये म्यूजिक नहीं डायनामाइट है, डायनामाइट, इससे पुराने कल्चर का फ्यूज मिल जाएगा। बहन जी मेरा भगवती आज शाम को आ रहा है, महागुरु ने शाम के 4 बजे का मुहूर्त निकाला है, बड़ा शुभ मुहूर्त है, भगवती के आते ही हम सब साथ भजन करेंगे। भाई धन्य है मेरा जमाई जिसने इतने साल ब्रह्मचर्य का पालन किया, वरना आजकल के छोकरे तो मुझे निकलने से पहले ही छोकरी के कमर में हाथ डाल के फिरते हैं। अरे मैं तो बहू का लिबास देखकर उसे छोकरा ही समझा था। अरे मैं तो अब भी उसे छोकरा ही समझता हूँ। अरे अरे मुझे तो ये डर है कि हमारे भगवती बाबू को कहीं घगरा और चोली ना पहननी पड़े। अरे 5 4 3 2 आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हरिद्वार क्यों चली गई। बात यहां तक आ पहुंची थी कि मम्मी गले में फांसी का फंदा डाल रही थी। मैंने मम्मी को पुचकारने के लिए हरिद्वार जाना मंजूर कर लिया, लेकिन चिंता मत करना, मैं वहां जाकर कोई ऐसा दाव खेलूंगी कि उन पंडों से जान छुड़ाकर हमेशा के लिए वापस आ जाऊं। आखिर आपकी बेटी हूं। मम्मी घूंगा जहां तक उड़ा जाए तो क्या पीठ की तरफ से? मगर सारा दिन थोड़े उड़ते, जब बड़े बुजुर्ग आते हैं उनके सामने घूंगट रखते हैं। सुनते हो जी, सुनते हैं, भगवती आ गया। पहले उसके चरण धोना। नमस्कार, आपका शिष्य कहाँ है? मुहूर्त के अनुसार गृह प्रवेश में 2 क्षण का विलंब। तेरा पति तो बूढ़ा भी हो गया है। अरे नहीं नहीं, ये तो भगवती का मास्टर है। गुरुवर मैं नीचे उतरूं? आओ ना वत्स, कुछ लो हम सर्व प्रकार हैं। ओ आचार्य, आशीर्वादम दही मम किम कर्तव्यम अनंतरम बृहत श्रीमत्। मया प्रदत्ता विद्या भवेद क्षेम करी शुभ करी च रश्मि रिव। कैसे फटाफट संस्कृत जा रहे हैं। संस्कृत की कव्वाली हो रही है। ओम मंगलम बढ़।
घर की यही मर्यादा है, पहले मर्द भोजन करते हैं उसके बाद औरतें बैठती हैं। अरे भाई रबड़ी लाओ रबड़ी। बहुत अच्छे बने। बुलाओ बेटा भाव। अरे तो तुमने तो कुछ खाया नहीं। अरे घी पियो बेटा वरना खुश हो जाएंगे। पूरी घी की कटोरी पी गया समझी। आज उसकी सुहागरात है ना। क्या ललिता तुमने डिफेंस के बारे में कुछ सोचा है? दुश्मन जब हमला करेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? रिलैक्स बेबी रिलैक्स। सारी रात उसे ऐसे बातों में लगाए रखेंगे कि उसे पता भी नहीं लगेगा कब रात बीती कब सुबह होगी। लेकिन वो जब मेरी तरफ बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी? सोचने दे। वो आइडिया ब्रह्मचर्य आश्रम गुरु की सेवा के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए, गृहस्थ आश्रम जीवन के आनंद लूटने के लिए और समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाने के लिए, और वानप्रस्थ आश्रम भगवान की सेवा के लिए। अरे भगवती तुम यहाँ? अरे भाई जाओ जाओ जाओ, वो बहु इंतजार कर रही होगी। जाओ 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 जाओ, भगवान तुम्हें सुखी रखे। लज्जा, अरे अब तो तुम हमारी अर्धांगिनी हो, हमारे शरीर का आधा हिस्सा। प्रिय, ये चांद से मुखरे पे बद्री जैसा घूंघट क्यों? चंद्रमुखी, काले काले केसों में घटाएं खेल रही हैं, नैनों से मदिरा छलक रही है। प्रियतमा महाकालाकार ने सोने की मूर्ति बनाकर उसकी कमर से सोना निकाल के न जाने कहां कहां लगा दिया है। प्रिय कुछ तो बोलो बोलो ना, चंद्र किरण की तरह फूलों की सेठ पर सिमटी हुई क्यों हो? कुछ तो बोलो। 12 बरस तक नदी की तरह सफर करने के बाद आज तुम अपने सागर से मिलने वाली हो। आओ आओ गले लग जाओ। मेरे प्रेम यज्ञ में कौन विघ्न डाल रहा है? आकाश से बादल खुश होकर गरज रहे हैं, थोड़ी देर में फूलों की वर्षा भी होगी। आहा, हमारे मिलन पे तो भगवान भी खुश हो गए। रियली लव इज गॉड एंड गॉड इज ग्रेट। तो क्या आपके गुरुकुल में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती थी? यस, वेद पुराण शास्त्र के साथ साथ शेक्सपियर बैरॉन स्टीवनसन रॉबर्टसन और क्या नाम है उसका, हाँ टेनिसन को भी पढ़ा है। आपको अंग्रेजी की कविता सुनाओ? जरूर जरूर मेरे धन्यवाद, जरा लंबी सी सुनाइए। लंबी? जितनी याद है उतनी सुनाता हूँ। आई शैल मेक यू ब्रूचेज एंड टॉयज फॉर योर डिलाइट ऑफ बर्ड सॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड स्टार शाइन एट नाइट। I shall make a palace fit for you and me and it. Yeah! Excellent! Wonderful! Parvati, so आगरा को ये कन्या यहाँ कैसे? जीजा जी, मैं पार्वती का ट्रेनर हूँ। हमने तो आपको कभी देखा नहीं था, इसलिए सोचा आपके दर्शन कर लूँ और कुछ ज्ञान ध्यान की बातें भी सुनूँ।
हम तो समझ रहे थे आप बिल्कुल भूत। पार्वती, ये कन्या तो बहुत चतुर है। देखिए, अब तो आपने हमारे दर्शन भी कर लिए, अब अपने कमरे में जाके विश्राम कीजिए ना। जाइए जाइए, प्रभात होते ही हम तुम दोनों को गंगा स्नान करने ले जाएंगे। जी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। आंटी कह रही थी आप पक्का रात बहुत अच्छा गाते हैं, आप उसे पक्का रात सुनाइए, मैं उसे रिकॉर्डिंग करते जाऊंगी। शिव शिव शिव, ये क्या यंत्र है? जो कुछ आप बोलेंगे इसमें वो आवाज बंद होती जाएंगी। गाइए ना। गाना तो मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा, परंतु आज नहीं। आज की अनमोल रात मैं गाना गा के गवाना नहीं चाहता। 12 साल की बिरहा सहने के बाद आज मेरा और पार्वती का मिलन हो रहा है। क्यों प्रिय? इस विधा की आग को राग रागिनी से ठंडा कीजिए ना। टाइम पास हो जाएगा ना, 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 प्लीज ना। मेरी कसम। तुम्हारी कसम? तुम्हारी कसम मैं कैसे तोड़ सकता हूं? अच्छा तो लो, विरह का दुख तुम भी जान लो। ये बिरहा की आग ऐसी किसको सावन क्या कहते हैं भी
से दो ही पल का खेल है, दो ही पल का खेल है, एक पल मिलने से पहले, एक पल मिलने से पहले, एक पल मिलने से पहले, एक मिलने के बाद आता, कहते हैं बीज दे, कहते हैं बीज दे, ma pa 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 da da pa da da pa da pa ni da da pa pa da pa pa ma ma pa da da re re pa da re da ta re 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 da 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 ni ni da 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 pa 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 da da ni ni da pa ma pa da pa da re da pa da re da pa da re da pa da re da ye firha ki aaj तो सावन क्या बुझाता। बड़े प्रसन्न नजर आ रहे जी जी। अरे गंगा मैया की महिमा है परंपरा, जाओ उठते जाओ, गंगा स्नान कराओ, और हाँ बहू को जरूर साथ ले जाओ, और स्नान स्नान करके गंगा मैया से प्रार्थना करना कि तुम्हारी पहली संतान पुत्र। पिताजी गंगा मैया से आज प्रार्थना नहीं करूंगा, कल करूंगा। गौशाला में नहीं पढ़ी, मैं तो सेंट एलिजाबेथ कॉन्वेंट की स्टूडेंट हूँ। हरिओम। एक और बम का गोला। इसकी कायाकल्प करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। ओ, गुरुकुल में मैंने बड़ी मेहनत की है, अब अपनी धर्मपत्नी के लिए कर लूंगा। बोलिए क्या करना होगा। चलिए साली जी, साली जी, जब मैं प्यार सिखलाऊं तुम दूर दूर रहियो। तू तो आधा अंग है मेरा, मैं दीपक तू बाकी, तू तो आधा अंग है मेरा, मैं दीपक तू बाकी, तेरा मेरा धर्म का नाता फिर काहे शर्माती, फिर काहे शर्माती। सजनी जी, सजनी जी, जो हुआ सो हुआ, अब और ना तरसियो। Thank you.
भाई अब इसके भी हाथ कहीं पीले कर दियो। जी जा जी जी जा जी मेरी दीदी है अनाड़ी इसे प्यार सीख लियो। साली जी साली जी जब मैं प्यार सिखलाऊं तुम दूर दूर रहियो। फैंटास्टिक सुपर पूरे पश्चिम का तो टैक्स माफ था या तो टिकट भी माफ। हाय रानी ब्रावो ब्रावो ब्रावो। Hi folks, both of you are looking superb. Hey, tell me something, Pam. ये आदमी है या टेलीविजन? Aerial भी है, earthing भी है, and 44 inches wide screen. अबे और लखनऊ की ककड़ी! ये टेलीविजन सेट कभी-कभी शाप भी मारता है, समझे? तो जरूर कहीं लीकेज होगी। Come on, let's go, darling. तुम्हारा हमारी पत्नी को छुआ तो तुम्हारा फ्यूज उड़ा देंगे। लेकिन फ्यूज उड़ाने से पहले एक बार अपने पति से तो पूछ के देखो कि हम उनके क्या लगते हैं। तुम इसके कुछ भी लगो, हमारे जरूर साले लगते हैं। और तुम जैसे साले का स्वागत करना हम अच्छी तरह जानते हैं। प्लीज छोड़ दीजिए ना, ये मेरा दोस्त है स्वामीनाथ। You mean he's serious? He's always serious. Oh my God, then I must get ready. Come on, Swami. Hey! लड़कियों के दो शहरों में होते हैं, द्वार में नहीं। पूजा जी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जानता हूँ ये तुम्हारा सहला है, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हारे सहले को करेला बना के तुम्हारे सामने रखता हूँ। पांडे जी मजाक कर रहे हैं? हम कभी मजाक नहीं करते। पांडे जी मैंने मान लिया कि आप लाठी बहुत अच्छा चलाते हैं। अरे रुकिए, आपको खुद को लग जाएगा, मैं कह रहा हूँ। राखी पैमला कुछ करो ना। क्या हुआ भगवती? ओह भैया ऋषि मुनि व शशि मुनि, यार काम नहीं है बंधु, इस करेले को बोरी में बांधकर बंबई पासर कर दो। अवश्य अवश्य। पारो दे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो एक बात कह दो दिया, ना तुम मेरे संबंधी हो और ना मेरी बेटी तुम्हारी बहू। आजकल बचपन की शादी को कोई कानून मानने के लिए तैयार नहीं। श्रीमद, सारा हरिद्वार इस बात का साक्षी है कि आपकी कन्या का लग्न मेरे भगवती के साथ हुआ है। आप इस दृष्टि को अचानक कैसे तोड़ सकते? क्यों नहीं तोड़ सकता, पहला मेरे साथ पहली गाड़ी वापस जा रही है। जानकी चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं इस अन्याय की भागीदार बनना नहीं चाहती। ठीक है तो तुम भी यही रह जाओ। पैमिला खबरदार, तुम मेरी आगे के बिना घर के बाहर आओ। जा जाओ कमरे में। नानी पहचानो मुझे। क्षमा करना पिताश्री, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या जरूरत है पहचानने की? कौन सा रिश्ता हमारा तुम्हारा? रिश्ता? ससुर जवाई से अपना रिश्ता पूछ रहा है? श्रीमान गले में ये अंग्रेजी फंदा डालकर जनों का मजाक उड़ाते हैं। नन्हे आकर से बात करो बेटे, आखिर ये तुम्हारे ससुर हैं। इनको भी तो समझना चाहिए कि मैं इनका जवाई हूँ। इस ख्याल में मत रहो कि पैमिला तुम्हारी बीवी है, तुमसे कहीं अच्छे से उसके नौकर चाकर। ससुर जी शांत, क्रोध से बात बनती नहीं, बिगड़ जाती। और कभी कभी बिगड़ी हुई बात बन भी जाती है। नहीं ससुरों का अपमान करना हमारे धर्म का अपमान करना है। छोड़ दे छोड़ दे बेटे। मम्मी चलो यहाँ से, पानी सर से ऊंचा हो चुका है, चलो पमला की मां। अरे आप अपनी देहाता में जा सकते हैं, मेरी नहीं, पार्वती यही रहेगी। पार्वती को जाने दे, आज नहीं तो कल शंभुनाथ जी की आंखें खुल जाएंगी, उनसे मेल मिलाप हो जाएगा। नहीं बेटे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू ही सबर कर, पार्वती को जाने दे। आज गई कल आ जाएगी। आ बेटे Thank you.
चलो जल्दी करो चलो। समझी जी, ये बात शांति से सोच विचारने की, हमसे कोई भूल चूक होगी तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। मैं भी नहीं सोचा था कि तुम पन्नों की इस तरह नाक कटवाओगे। मगर महाकुरु, इसमें मेरा क्या दोष है? दोष पूछते हो? हमारे आशीर्वाद से बाल अवस्था में भगवती और पार्वती का लग्न हुआ था, और आज तुम्हारी निर्बलता के कारण शंभुनाथ विवाह का खंडन करके कन्या को वापस ले गया। तमाचा उसने तुम्हारे मुंह पर मारा और उंगलियों के निशान हमारे घर में। महाकुरु, ज्वाला तो मेरे मन में भी भड़क रही है, मगर मैं बात को बढ़ाकर संबंध तोड़ना नहीं चाहता था। मुझे विश्वास है एक दिन शंभुनाथ गिड़गड़ाता हुआ आपके चरणों में जरूर आएगा। हमारे चरण ऐसे मलेच्छों के स्पर्श के लिए नहीं है। हमारा निर्णय है कि भगवती पार्वती का त्याग करके दूसरा विवाह करें। दूसरे विवाह? हाँ, दूसरा विवाह। हम भगवती पांडे के लिए स्वयं उच्च कुल की कन्या की खोज करेंगे। क्यों भगवती? महागुरु, जिस मर्यादा का पालन हम करते आए हैं, वो मर्यादा भगवान रामचंद्र जी से चली आई है। जब शंका में पड़कर भगवान रामचंद्र ने सीता माता का त्याग किया था, और वशिष्ठ महाराज ने अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान रामचंद्र जी को दूसरा विवाह करने का आदेश दिया था, तब भगवान रामचंद्र जी ने कहा था, रघुकुल की रीत है एक ही वचन और एक ही पत्नी। बालक, आज तुम महागुरु त्रिभुवनेश्वर पांडे को रामायण सिखा रहे हो? नहीं नहीं, रामायण तो मैंने आप ही से सीखी है महागुरु। मैं तो आपको केवल याद दिला रहा हूं। मैं जानता हूं पार्वती के जाने से आपका अपमान हुआ है, मेरे माता पिता का अपमान हुआ है, मेरा अपमान हुआ है। परंतु महागुरु, मुझे केवल एक अवसर और दीजिए। कैसा अवसर? मैं गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध खाता हूं, यदि मैं अपने भटके हुए ससुर और अहंकार में डूबी हुई पत्नी पार्वती की काया पलट कर आपके चरणों में ना ले आऊं, तो गंगा मैया मुझे नरक का अधिकारी बनाए। ऐसा कर सकोगे? महागुरु, जिसने सच्चे दिल से रामायण और गीता का पाठ किया हो, उसके शब्दों की लाज भगवान को भी रखनी पड़ती है।
नाए मर्दों के साथ ये धाल धप्पा बंद करो। रॉकी, ये पंडित कौन है? फ्रेंड्स, ये हजरत हरिद्वार के गोलगप्पे। खामोश। पंडित जी, अगर आप यहां से सीधी तरह नहीं गए तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस घर के कुत्ते बहुत खतरनाक हैं। आपकी इस धोती को लंगोटी बनाकर छोड़ दी। Will you now please get out? हमें ना मालूम था कि यहां आकर हमारा वास्ता कुत्तों से पड़ेगा, और जब ये हरिद्वार का पंडा शेरों को गिदड़ समझता है तो ये कुत्ते किस खेत की मूलियां हैं? विश्राम कीजिए। आज यात्रा के कारण हम बहुत थके हुए हैं। मिस्टर, थकान दूर करनी है तो किसी धर्मशाला में जाओ, यहाँ हमारी फ्रेंड्स की पार्टी चल रही है, मैं बिजी हूँ। हमारे होटल में यह पार्टी वार्टी नहीं चलेगी, समझी? हम गंगा जल की सौगंध खा के आए हैं, तो मैं संग लेकर ही जाएंगे। और अगर ना ले जा सके तो? फिर तो हमारी मट्टी ही हरिद्वार जाएगी, हम नहीं। फैंटास्टिक, बहुत अच्छे, क्या बात कही है पंडित जी। आपके इस चिकने जिस्म की मट्टी भी चिकनी ही बनेगी। लगता है चटनी तुम्हारी अंदर चमक रही है। हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय, पार्वती के पति भगवती पांडे जी की जय। गंगा घाट का पानी पिया है, गंगा घाट का पानी पिया है, अब सबको मैं पानी पिला दूंगा। गंगा घाट का पानी पिया है, अब सबको मैं पानी पिला दूंगा। मुझको भला समझते हो क्या, मैं हरिद्वार पहुँचा दूंगा। गंगा घाट का पानी पिया है, अब सबको मैं पानी पिला दूंगा। लाठी की भाषा रे, प्यार की पानी बोलने वाला बन जाए तमाशा। इस दुनिया में तो चलती है बस लाठी की भाषा। कौन है तोला, कौन है माशा, भेद भी समझा दूंगा। गंगा घाट का पानी पिया है, अब सबको मैं पानी पिला दूंगा। Thank you.
तक मूर्ख समझे और चतुर को ज्ञानी। रे दो शब्दों में कहता हूँ इस दुनिया की कहानी। बोले को जग मूर्ख समझे और चतुर को ज्ञानी। बोला हूँ मैं निर्बल नहीं दिन को भी तारे दिखा दूंगा। गंगा घाट का पानी पिया है अब सबको मैं पानी पिला दूंगा। गंगा घाट पानी पिया है अब सबको मैं पानी पिला दूंगा। मुझको भला समझते हो क्या मैं हरी बार पहुंचा दूंगा। गंगा घाट पानी पिया है अब सबको मैं पानी पिला दूंगा। कश्ती कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तीन दिन हो गए मास्टर, मेरा ख्याल है बोट पकड़ी गई। अरे सरकार की तो अरे हाँ यार, स्मगलिंग में खोट साला मटके में पनवती। कौन सी वती? अरे पन्नौते साला 24 घंटे लड़कियों के बारे में सोचता रहता है, यहाँ खाने को वादे हो रहे हैं। साला घचकरन कौन है? मास्टर ये बकरा अच्छा है, क्यों ना हम अपने पुराने धंधे पर आ जाएं? अरे मैं तो किसी भी धंधे पे आने को तैयार हूँ, लेकिन आज साला हथियार नहीं लाया। ये रहे हथियार। अरे वाह, राम राम सेठ जी। जयराम जी की। बंबई में नए नए आए हो क्या? जी हाँ, पहली ही यात्रा है। कोई ठिकाना विकाना चाहिए? कोई ठिकाना मिल जाए तो आपका उपकार होगा। अरे लगा देंगे ठिकाने, लगा देंगे ठिकाने। हाँ किराया कितना दे सकते हो? देख नहीं रहे, माया लेकर आया हूँ माया। तो फिर चलो सेठ जी। चलता हूँ। देखिए भाई साहब जरा गांठ बांधने मेरी मदद कर दीजिए, हवा ज्यादा है और एक हाथ में माया भी तो है। और सेठ जी देखो ये बांधना बांधना मुझे नहीं आता,
आप एक काम कीजिए ना, ये माया मुझे दे दीजिए, कार्ड खुद बांध लीजिए, बाकी आपका सामान ये बच्चे लोग उठा लेंगे, क्यों? धन्य धन्य, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग, बंबई के लोग बड़े अच्छे हैं, यात्रियों की बड़ी मदद करते हैं। अरे सेठ जी आप आगे आगे देखिए, हम तो आपकी बहुत मदद करेंगे। ये लीजिए, भाग नहीं जाना। नहीं सेठ जी, मैं कभी नहीं भागूंगा यहां से। मालूम होता है ये सलाह, जल्दी से भगा दो इसे। ठीक है बंधुओं, हम यहीं पर विराजमान होते हैं, कभी ना कभी तो अपने बिल से निकलोगे। खूब तेल पिलाया तुझे, आज फिर तेरा उपयोग होगा। चलो चूहो बाहर निकलो, मेरा सोटा तुम्हें मिलने के लिए उतावला है। अपना काम डंडे से नहीं हाथों से करते हैं। लो, एक बार फिर कोशिश करो। पंडित अपनी माया माफ करना सेठ, अपन माया सीधी तरह से नहीं देते हैं।
आप तो बहुत जल्दी सो गए। अगर सारा लोग, ये कौन सा अस्पताल है? ये अस्पताल नहीं, ये सुखानंद धर्मार्थ धर्मशाला है। तो साला पंडित है ना, ये रहता है। उस पंडित ने तुम्हारी खूब धुलाई की। क्या? और फिर यहाँ लाकर रात भर तुम्हारी खूब सेवा की। हमारी सेवा की? उसने जिसका हमने माल छीना। हाँ, तुमने हमारा माल छीना, पर हमने तुम्हें प्यार दिया है। तालाजवा के पैर छुआ थाला ढांचो पंडित है। तुम बंधुओ क्यों लज्जित करते हो मुझे? उठ उठ, इधर आओ पंडित। तुमने अपन को उमस भर के लिए खरीद लिया, अब तुम फुटपाथ पर खड़ा होकर अपन को नीलाम भी कर देंगे ना, तो अब तुम्हारे लिए बिक जाएगा पंडित। तुम मित्रता का वचन देते हो मास्टर? पंडित प्यारे, इस दुनिया में लोग दो पैसे के लिए, दो पैसे के लालच के लिए भगवान का झूठी कसम खाता है, बाल बच्चों का झूठा कसम खाता है, आज अपन भी कसम खाता है अपना इन दो उंगली का, मेरा बेटी का, अपन तुम्हारे लिए जान भी दे देगा। बोलो तुम कौन हो, कहां से आए? तुम आराम करो, मेरी कथा बहुत लंबी है। मेरा नाम भगवती है, मैं हरिद्वार का पंडा हूं, अपनी धर्म पत्नी की खोज में शहर आया। मेरी शादी बालावस्था में हो गई थी, तो मैं बहुत छोटा। बाकी में सबने हमारी हंसी उड़ाई, हमारा अपमान करके घर से निकाल दिया। उसके बाद मास्टर तुमसे मुलाकात हुई और हम यहां आ गए। यही है मेरी राम कहानी मास्टर। घबराओ नहीं पंडित प्यारे, अपन भी तुमसे वादा करता है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे उस अमीर ससुरे को लाकर अपन ऐसा फिट करेगा कि हमारी भाभी तुम्हारी गोदी में होगी और तुम्हारा ससुरा तुम्हारे कदमों में। मास्टर, इस मामले में तो प्रोफेसर साहब की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, ये प्रोफेसर कौन है? अरे बड़ा काम का आदमी है पंडित प्यारे, और साला साइकिल को मोटर कार और मोटर कार को एकदम हवाई जहाज बना देता है। ये अपना दोस्त है पंडित प्यारे, नमस्ते करो। नमस्कार जी। औरत का सताया हुआ है, बहुत दुखी है बेचारा, आप थोड़ी सी मदद कर देंगे ना तो सुखी हो जाएगा। इम्पॉसिबल जी। अरे भाई, सांप का काटा कम से कम मर तो जाता है, लेकिन औरत का सताया न मर सकता है न जी सकता है। तुम जाओ। लेकिन प्रोफेसर साहब, इसकी स्टोरी तो सुन लीजिए, बहुत दुख भरी है। लेकिन भगवती, ये सब तुम चुपचाप सह कैसे सके? वो तो एक मामूली औरत है, उसे दो थप्पड़ लगाने थे, उसकी जबान ताल उसे खींच लेनी थी और उसे तलाक दे देना था। नहीं माशे, ये कैसे हो सकता है, हम उसे प्यार करते हैं। दुनिया में प्यार का जवाब प्यार होता है और नफरत का जवाब होता है नफरत। तुम उसे भूल जाओ, दूसरी शादी कर लो। शिव 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 शिव, पति पत्नी का संबंध तो अमर होता है, फिर उसमें तलाक कैसा? तुम जैसे लोगों ने औरत को सर पे चढ़ा रखा है। मेरी पार्वती नासमझ है, उसे सुधारना है, अपना बनाना है। इसी समस्या का हल खोजने आपके पास आया हूं महाराज। हाँ प्रोफेसर साहब, ये पंडित प्यारे का काम कर दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। मैं आपके पांव पड़ता हूं, हमारे पंडित प्यारे को बचा लीजिए, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो फिर अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। जो लड़की तुम्हारे इस रूप से नफरत करती है, वही कल तुम्हारे नए रूप के जाल में फंस जाएगी। कैसे कहूंगा करोगे? छल कपट रूप बहरूप सब करूंगा महाराज। यदि पार्वती से हमारा मिलन हो गया तो गंगा जल में डुबकी लगा के अपने सारे पाप धो दूंगा। ओके, नाच सकते हो? नचा भी सकता हूं। शराब पीनी पड़ी तो पियोगे? हरिओम हरिओम हरिओम, हरिद्वार का पंडा और शराब? नहीं सरकार, भांग तो पीते होगे? वो तो महादेव जी का प्रसाद है। भांग में रंग मिला सकते हो? अगर अच्छी चनी हो तो रंग अपने आप आ जाता है। कहिए तो रंग में भंग मिला दूं या भंग में रंग, एक्सपर्ट हूं मैं।
अंग्रेजी भी सुधारनी पड़ेगी तुम्हारी। अच्छा तो तुम्हें पंग में विस्की का रंग मिलाकर खुद पीनी और पिलानी पड़ेगी। अब सुनो, तुम्हारी बीवी पमिला की कमजोरी मॉडर्न सोसाइटी और पॉप सिंगिंग है। अगर तुम्हें एक मशहूर पॉप सिंगर का रूप दिया जाए तो तुम पमिला को मोहित कर सकते हो। पहले पंडित उसके पीछे भागता था, अब वो एक पॉप सिंगर के पीछे भागेगी। गा सकते हो? मेरे पास प्रभु जी के तीन वरदान हैं, एक लठ, दूसरा कंठ और तीसरा मन। कहिए तो शास्त्र संगीत आरंभ करूं। ये बिरहा की। देखो आज से तुम शास्त्र संगीत का नाम भी नहीं लोगे। चलो मेरे साथ। जी गुरु जी। बहुत पॉपुलर था तो हाथ बिक रहा है, कांग्रेस। लेकिन गुरुजी, इस ब्रह्मचारी के कमरे में सुबह से कन्या बैठी हुई है, उसे बाहर निकालने का उपाय बताइए ना। वो भी एक चक्कर है, चलो अंदर चलो बताता हूँ। यही है वो लड़की। हाँ बेटे, ये निकी है, पामेला के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए। ओ, मेरी नमकदानी। जी हाँ। नमस्ते जी। प्रेम, मेरा ख्याल है कि पामेला का फोन। पार्वती, अपना काम शुरू कर दो। हेलो,
कौन? पैमेला? सुनो, प्रेम को फोन देना। देखो प्रेम के पास आमतौर की लड़के से मिलने का वक्त नहीं है। बड़ी बदतमीज लड़की हो तुम, प्रेम को फोन देना। मुझे उसे कहना है कि मैं पार्टी में आ रही हूँ। सारे शहर की लड़कियाँ अगर पार्टी में आ जाएंगी तो मुझे प्रेम से बात करने का मौका कब मिलेगा? देखो, जब मेरे जैसी खूबसूरत लड़की पार्टी में होगी तो तुम किस खेत की मूली हो? हाँ, मैं प्रेम की गर्लफ्रेंड हूँ। गो टू हेल्प। पामेला, प्रोफेसर क्या? प्रोफेसर अंकल, आई एम सो सॉरी। नहीं, प्रेम से मिलना मुश्किल है। अंकल आप ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझे प्रेम से एक बार मिला दीजिए। हाय बैब, कैसे हैं? दिस इज मिस्टर बैबलिंगो, प्रेम सेक्रेटरी। हेलो, हाउ डू यू डू? अच्छा तो तुम वही लड़की हो ना? जी मेरा मतलब है जिसका भेजा खराब है। ओह गड़बड़ हो गई, लेकिन आप यहाँ कहाँ? प्रेम से मिलना चाहती थी, मैंने सोचा पार्टी में ही बुला लूं। लेकिन पार्टी में खाली हाथ क्यों? ये लीजिए। हेलो, मेरी ड्रेस खराब कर दी। टेरिबली सॉरी। तुम्हारा ड्रेस खराब नहीं होगा, जाओ ऊपर जाकर धो लो। जाओ जाओ ऊपर, बाथरूम है। प्रेम कहाँ है? प्रेम वो भी ऊपर है। लगता है इसे कहीं देखा है। ये मेरी तरफ घूर के क्यों देख रही है? कहता है इसे देखती ही रहूं, कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं लेगी। हाँ प्रेम, कम ऑन डाउन मैन, कम ऑन। अब ये मुझे नहीं पहचानेगी, इसकी आंखों पर नई सभ्यता का पर्दा है। अब मैं जी भर के अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। क्या यही प्रेम है? हाँ, क्यों? हमने इसे पहले कहीं देखा है? जरूर देखा होगा। ला 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 मैं जब छेड़ूंगा दिल का तराना तो आ जाएगा तूफान सा। मैं जब छेड़ूंगा दिल का तराना तो आ जाएगा तूफान सा। एक एक दिल बेचैन हो हलचल सी मचा दूं अभी, कहो तो मैं एकादशी मैं दिल में लगा दूं अभी। हे मैं जब छेड़ूंगा दिल का तराना तो आ जाएगा तूफान सा। एक एक दिल बेचैन हो हलचल सी मचा दूं अभी, कहो तो मैं एकादशी मैं दिल में लगा दूं अभी। Thank you.
ये नगमे मेरे दो खान खाना, वो दिल जला ये सोच के तुम पास आना, शोले है ये नगमे मेरे दो खान खाना, वो दिल जला ये सोच के तुम पास आना, ऐसा न हो दुनिया कहे हाय के ये क्या हुआ, मैं जब छेड़ूंगा मचा दूं अभी, कहो तो मैं निकाद सी मैं फेल में लगा दूं अभी। छेड़ूंगा दिल का तराना तो आ जाएगा तूफान।
हलचल सी मचा दूं अभी। कहो तो मैं एकादशी मैं दिल में लगा दूं अभी। ए मैं जब छेड़ूंगा दिल का तराना तो आ जाएगा तूफान सा। आज बड़े दिनों के बाद छुट्टी मिली है, क्यों ना सारा दिन स्विमिंग पूल में गुजारा जाए। लालिता की प्रेम तुम कितने अच्छे हो। ठीक है ठीक है, तुम भी तो बुरी नहीं हो। अब ठीक 10 बजे आ जाना। हाँ, सी यू डार्लिंग निकी। निकी? मैं निकी नहीं पामेला बोल रही हूँ। ओह ब्लडी हेल, तू कहाँ से आ गई? देखिए मिस पामेला, आई एम सॉरी ये रॉन्ग नंबर लग गया। जितना ही मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ उतना ही कनेक्शन जुड़ता जा रहा है। आप इस कनेक्शन को तोड़ क्यों नहीं देती? अब जुड़ा है तो जुड़ा रहने दो ना। ओह नॉट टुडे प्लीज, मैं जरा बिजी हूँ। नहीं आज ही। मैंने कहा ना आज नहीं। प्रेम। नाउ डोंट बोर मी आउट। हेलो। मैं स्विमिंग पूल पर आ रही हूँ। नहीं आ रही हूँ। नो आ रही हूँ। नो आ रही हूँ। आजा यार, बड़ा तरस आया है। यहाँ क्यों आई है? प्रेम से मिलने आई हूँ। क्यों अपनी शक्ल दिखा के प्रेम का मुड़ाव करना चाहती हो? शट अप यू शट अप। देवी, अच्छा हुआ तुम आ गई। बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुमसे मिलने आया हूँ। सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखा के मेरा मूड खराब कर दिया, तुम्हें अंदर घुसने के फेर दिया। ओहो देवी, जब तुम हर की पौड़ी पर नहा सकती हो तो क्या ये पंडा जलकुंड में नहीं स्नान कर सकता है? अच्छा आप स्नान कर चुके ना, अब जाइए। चलो जाइए, मुझे एक प्राइवेट काम है, जाइए ना। क्या कहा? और मैं ऐसा कोई भी प्राइवेट काम नहीं है जिसमें पत्नी को पति की आवश्यकता ना हो। गुर्खा? गुर्खा? नहीं देवी, दुनिया में कोई भी ऐसा गुर्खा पैदा नहीं हुआ जो इस पंडित को बाहर निकाल सके। हाँ, ये पंडा अपने आप चला जाए तो चला जाए। ठीक है, हम बाहर बैठ के तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। जय राम। जय राम जी। अरे तुम अभी तक गई नहीं? अरे तुम्हारे जाने का इंतजार कर रही थी। तुम्हारी जैसी को तो मैं हजारों को ऊपर भेज चुकी हूँ। अरे बक बक बंद करो, वरना ये बाल लोच कर तुम्हारे हाथों में पकड़ा दूंगी। प्रेम, देखो ना प्रेम, ये बदतमीज लड़की ना जाने मुझे क्या क्या कह रही है। ए, क्या हो रहा? तुम अपने आप को निकी मत समझो। Because she is my beloved. अरे इसकी खूबसूरती तो सिर्फ इसके कपड़ों में है, अंदर से तो चुड़ैल है। Thank you.
जीवन संग्राम तो दो बार देखा है, ये स्त्री संग्राम पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या कर रही हो देवी? शांति शांति रखो देवी, शांति। पहले हंटर वाली देखी थी, फिर चाबुक वाली, और आज पिस्तौल वाली। हूँ डोंट एक्ट स्मार्ट, पाँच है पाँच। पामेला ये क्या मजा? छोड़िए, तीन आदमियों के लिए पांच गोलियां, फैंटास्टिक। एक मेरे लिए, एक प्रोफेसर के लिए और एक निकी के लिए, बाकी की दो तुम्हारे अपने लिए। अपने लिए? काम काम पामेला, काम काम। चलो चलो निकी, तुम चलो यहां से, न प्रेम तुम्हारे काबिल है न तुम प्रेम के काबिल हो। जान किसकी है मेरी जान, जिगर किसका है, तीर से तीर चलाओ, तुम्हें डर किसका है? कमन आप मिस्टर, पहले ये बताओ तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? पहले तो नहीं करता था, लेकिन अब करना ही पड़ेगा। आपका तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब, पहले तुम बुजदिल लड़की थी, आज तुम्हारे हाथ में ये पिस्तौल देखकर तुम मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नजर आ रही हो। इसका मतलब मैं ये समझू कि मैं खूबसूरत नहीं, मेरा पिस्तौल खूबसूरत है? अरे अगली, ये उम्र तुम्हारे मरने की नहीं, तो फिर कहो कि तुम मुझसे प्यार करते। अरे ऐसे मौके पर कौन इनकार कर सकता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान दे रहा था। जानवर नहीं, जानवर मैं नहीं, जानवर तुम हो।
अगर हम चाहते तो पार्वती को घसीट कर अपने घर भी ले जा सकते थे। खबरदार जो मेरी बेटी को बहू कहा तो तुम मेरे झूठ मूठ के संबंधी हो नीलकंठ, चुपचाप यहां चले जाओ वरना मुझे पिस्तौल से काम लेना पड़ेगा। दरबान बटलर धक्के मार के निकाल दो इस आदमी को यहां से। तेरे पैरों पर चोट कैसे आई? माँ पिताजी समझे कि उनकी बहू के साथ कोई पराया आदमी है। पहले उनका ढेर सारा प्यार देखा था, आज ढेर सारी मारपीट देख ली। तू कुछ बोला क्यों नहीं? कैसे बोलता माँ, अगर मैं कुछ बोलता तो पार्वती को पता लग जाता कि मैं भगवती हूँ और फिर सारा नाटक फेल हो जाता। इसलिए डंडे पड़ते रहे और मैं खाता रहा। आने दे उनको, सुबह की दूध जलेबी, दोपहर का पूरी हलवा, शाम के लड्डू, रात की उबाती बंद ना कर दे तो मेरा नाम रुक्मणी नहीं। रुक्मणी प्यारी, ये तुम छल्ला यहाँ कैसे आ गया? आपने मेरे लल्ले पर हाथ क्यों उठाया? आज तक इस संसार में किसी बाप ने अपने बेटे की तान तोड़ी है क्या? बड़े तोड़े क्या हो गया? कौन बाप और किसकी संतान? ये वो निर्लज है जिसने मेरी बहू को बहकाया है, हमारी संस्कृति पर कीचड़ उछाला। नहीं पिताजी, मैं आप ही का अंग हूँ। देखिए भगवती, आपका लल्ला। भगवती मेरे बच्चे। प्रेम, प्रेम डार्लिंग, कल रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने मुझ पर आदत है इसलिए। चोट तुम्हारे बदन पर पड़ रही थी, दिल मेरा जख्मी हो रहा था। लेकिन प्रेम डार्लिंग, तुम चुपके से मार खाते रहे, अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं किया। अपनी महबूबा के ससुर का जो ख्याल था। ससुर? मेरा कोई ससुर नहीं। फिर वो तुम्हें बहू बहू क्यों बुला रहा था? ओ डार्लिंग, अपनी शादी की बात तुमने हमसे छुपा के रखी। ओ हनी, बचपन की शादी को जब मेरे पिता नहीं मानते तो मैं कैसे मान सकती हूँ? मेरा यकीन करो, मैं चांदनी की तरह कुंवारी हूँ, मुझे प्यार है तो सिर्फ तुमसे। खूबसूरत लड़की की बात पर एतबार न करने वाला मर्द नहीं कहलाता। इसीलिए मोहब्बत का जवाब हम मोहब्बत से ही देंगे। आज रात के बाद जब सुबह का सूरज निकलेगा तो हमारे बिस्तर की शिकन को देखकर बादलों में मुंह छुपा लेगा। कम डार्लिंग, हैव अ ड्रिंक, लेट्स सेलिब्रेट। क्यों? आज रात मेरी रात है। आज मैंने बहुत सी गुजरी हुई रातों का हिसाब चुकाना है।
जल गया, अब तो ये रफू भी नहीं हो सकता। लो पैम, तुम ये छोटी छोटी बातों से क्या परेशान हो जाती हो? आज ही तो तुमने इस मॉडर्न तहजीब में कदम रखा है। मुझसे प्यार चाहिए था ना, वो आज मैंने तुम्हें दे दिया। अब मुझे एक और चीज चाहिए, पति के रूप में तुम। पति और मैं? मैं इतना बेवकूफ नहीं डालेंग। माय नेम इज प्रेम, मैं सिर्फ प्रेम करता हूं, शादी नहीं। शादी नहीं करोगे? शादी? शादी का नाम लेके मोहब्बत के मुंह पे तमाचा मत मारो। हाँ तो शादी तो स्वागत मनाने के लिए होती है ना, और वो तो मैं और तुम कब के मना चुके। कब? लास्ट नाइट, रात को। और फिर मिस पैमेला, अच्छी लड़कियां भले रात भर बाहर रहे, सुबह होते ही जरूर अपने माँ बाप के पास चले जाती है। जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी राह देखते होंगे। गुड बाय। आप मुझे अपना घर जमा क्यों नहीं बना देते? ओह, आई सी, तुम पैमेला का हाथ मांगने आए हो। जी हाँ। लेकिन रॉकी, वो ललिता का क्या होगा? ओह, ललिता? अंकल, यू थिंक आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू दैट गर्ल? उस लड़के से शादी करूंगा जिसके माँ बाप के कैरेक्टर का पता नहीं? अंकल, आई एम फ्रॉम अ रेस्पेक्टेबल फैमिली अंकल, मैं खानदानी आदमी, मैं गुनाह के पौधे का फल नहीं चखना चाहता। इम्पॉसिबल। लेकिन रॉकी, एक जरा सा खटका है। खटका? एंड मेरे बारे में अंकल? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं, बल्कि अपनी जायदाद के बारे में। जायदाद? हाँ हाँ, जायदाद। कई लोग मेरी जायदाद पर नजर रखकर पैमेला का हाथ मुझसे मांगने आते हैं। ओ, आप प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, मैं समझ गया अंकल। बट आई मस्ट टेल यू वन थिंग, जब रॉकी पैदा हुआ था ना, उसके मुंह में सोने का चमचा था। आप पैमेला को सिर्फ दो कपड़ों के साथ मुझे सौंप दीजिए, एंड आई गारंटी यू अंकल, आई विल कीप हर एवर एवर हैप्पी। God bless you, my dear son. God bless you. ये सब ठीक है राखी भाई, हमको तो रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। सर जी, मेरे नाम आपका कितना रुपए निकलता है? अरे वही 10 मुद्दल 15 ब्याज। रोकड़ा तो मेरे बाप दादा के पास भी नहीं था, ये आप जानते ही। थोड़ी घर गिरवी रख दो नी, अरे खट्टू मंडी खरी लो जी कर दो सही। देखा, लेकिन ये सोचने की बात है सर जी, मैं घर कैसे गिरवी रख सकता हूँ? आई एम पॉप सिंगर, यू नो दैट। अरे वही कर्जा कैसे उतरेगा बाबा, बोलो तो तुम्हारी शर्ट गिरवी रख दूं, तुम्हारी पेंट रखूं, तुम्हारा लॉकर रखूं, तुम्हारा डाल रखूं, तुम्हारी बोतल रखूं, रखूं तो क्या रखूं? सर जी, I've got a fantastic idea. मैं अपना सुरीला गला आपके पास गिरवी रख देता हूं। अरे तेल लगाने दिया तुम्हारा गला वल्ला, आज जिस ग्रामोफोन के तवे पर तुम्हारा फोटो होता है उस पर मक्खी ही नहीं बैठा। देखो सेठ, डोंट इंसल्ट माय गला, अगले महीने टोकरा लेकर आना और रोकड़ा लेकर जाना। अगले महीने क्या नोट छापेगा? सेठ जी, इधर आइए। आप मिस्टर नाथ को जानते हैं? हाँ। उनकी एक लौती बेटी पमेला को मैं पटा रहा हूँ, जैसे ही मेरी उसके साथ शादी होगी 10-20 लाख रुपए डॉरी में मिल जाएगा। वो तो मिलेगा, पहले ये घर गिरवी रखो, बाद में छुड़ा लेना।
पैमला से शादी करोगे? इतनी जल्दी बदल गए? लिसन स्वीटी, अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को घर से निकालकर दूसरी थाली में खा सकती है तो मैं एटलीस्ट अपने मुंह का टेस्ट तो बदल सकता हूं। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे मुंह में सोने का चम्मच था, लेकिन आज वो चम्मच गुम हो चुका है। That's why I need two, you understand? Two. Why are you wasting your time? I don't need you anymore. Come on out, get out! उस चपटे की ये हिम्मत? ठीक है, तुम घर जाओ, मैं अभी उस बेसुरे का सुर ठीक करके आता हूं। हम भोल महाराज, मुझे पता है यू आर अ वेरी गुड लाठीबाज, लेकिन आप हमारे तुम्हारे क्या दुश्मनी? लाठी फेंक दीजिए। नहीं, ललिता हमारी पत्नी की सहेली है, हमारी साली की बराबर। तुमने उसका दिल तोड़ा है, हमारी साली का दिल तोड़ा है। ललिता को प्रेम के सब भाग दिखाकर अब हमारी पत्नी पर प्रेम के डोरे डाल रहे हो। अरे महाराज, प्रेम के डोरे मैं नहीं, प्रेम डाल रहा है। आप तो जानते ही महाराज, जब से प्रेम आया है मेरे संगीत का थ्रोन, सिंहासन, हाँ सिंहासन छीन लिया है। वो पतंग की तरह आसमान पर उड़ता जा रहा है और मैं मेंढक की तरह अपने घर में बैठकर टर-टर कर रहा हूं। एक बात बताऊं? कह दो, कह दो। जो डंडा आप मेरे सर पर 15 दफा चलाए ना, वही डंडा अगर उस उल्लू के पट्टे हरामजादे नमक हराम प्रेम के सर पर एक भी दफा चला देना तो उसमें मेरा ही नहीं आपका भी फायदा है। जाइए जल्दी राशि चलाइए। नहीं, ये असंभव है। प्रेम और भगवती का मिलन तो हो ही नहीं सकता। जब हम वहां होते हैं तो प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम होता है तो हम नहीं होते, समझे? अरे ये मिलन महाराज हम आसानी से करवा सकते हैं। ये मिलन तो भगवान श्री भी नहीं करा सकते। ये भगवान के डिपार्टमेंट का काम नहीं महाराज, हमारे डिपार्टमेंट का काम है। आइए। हम प्रेम जी से मिलना चाहते हैं। नहीं महाशय, हम प्रेम साहब से मिलना चाहते हैं। मगर बाबलिंगो, हाँ जी, ये प्रेम का बहुत बड़ा फैन है, इसे प्रेम से मिला दो। लेकिन रॉकी साहब, आप मेरे बॉस को तो अच्छी तरह ही जानते हैं, अब वो बिल्कुल आदि के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बिल्कुल एकदम सुस्त निकम्मे बेकार। मेरा मतलब है, देखिए सुबह 5 बजे तो यहाँ पर घर में आए, अब ये भी कोई आने जाने का वक्त होता है, अब वो पता नहीं उठेंगे या नहीं भी उठेंगे। उठेंगे? हाँ बिल्कुल उठेंगे, जरूर उठेंगे। Come on, wake him up. मेरा ख्याल है वो उठ भी गए होंगे। जाओ आइए महाशय, जाओ। हाँ उठ गए होंगे वो। हाँ चलो जरूर उठेंगे, अब मैं खुद देखता हूँ कैसे नहीं उठेंगे। हेलो, उठ गए? उठ गए? हाँ, नहीं बाथरूम में गए। बाथरूम में गए? तो जाओ बुलाओ, बुलाओ, बुलाओ। ओ शास्त्री जी, आपको मालूम नहीं हमारे साथ को भी इन्हीं साथ की तरह बाथरूम में 1 घंटा बैठना पड़ता है। क्या कहा, 1 घंटा? जी हाँ। ओहो रॉकी महाशय, हम इतनी देर तो प्रतीक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आज हमने सत्यनारायण की कथा रखवाई है, वहाँ हमारा उपदेश होगा। टेलीफोन करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, टेलीफोन दिया रहेगा। जम्बलिंगो, मैं बोल दूंगा। बॉबलिंगो, मैं टेलीफोन कर सकता हूँ? कर सकते, कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ। टेलीफोन बैग मर गया। ध्यान हो गया, ध्यान हो गया। करीब में पहुंच के बाद हम वहीं से टेलीफोन कर देते हैं। पंडित, यू आर अ हेडेक। कम ऑन, टेक इट नाउ, कम ऑन, गो फास्ट। पंडित जी, आलू शास्त्री जी, इधर ही मैं पान लेके आइए। रॉकी, जब
फ्लॉप हुआ तुम्हारा प्रेम आया, कल प्रेम फ्लॉप हो जाएगा रॉकी विल अगेन कम अप, बिकॉज रॉकी जब पैदा हुआ उसके मुंह में सोने का चम्मच था। रॉकी साहब, आम पेड़ से गिरने के बाद दोबारा जाकर पेड़ पर नहीं लगता। थैंक यू मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे एक फैन के कारण जबरदस्ती आना क्या होता है तुम? थैंक यू मेंशन नॉट। सुना है आप हमारे हर शो में कोई सौ सा आदमी भेज देते हैं शोर मचाने के लिए। नॉनसेंस, मगर वो हमारे शो में आकर शोर मचाने की बजाय तालियां बजाने लगते हैं, जानते हैं क्यों? इसलिए कि आप हमारे शो में सिर्फ 5-5 रुपए देकर उन्हें भेजते हैं और मैं उन्हें 10-10 रुपए देकर तालियां बजवा लेता हूँ। यू आर अ प्लारी बास्टर्ड। आज तो बड़ा ही शुभ काम हुआ, अब हमारे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आज मंडप में भगवान सत्यनारायण जी खुद प्रकट हुए। जी सच्ची है, सत्यनारायण जी खुद आए, खुद अपनी कथा सुनाकर भक्तों को प्रसन्न करके खुद चले गए। गुरुदेव सत्यनारायण हमारे प्रभु आपके गॉड। सर कौन सा लिंग में आप? गॉड लिंग। आपके प्रेम से उठे कि नहीं? जी उठे, लेकिन नहाने चले। नहा रहे थे? अच्छा, हम उन्हें पानी मिल लेते हैं। तुम्हारा गुस्सा खाना कहा है? बताओ गुस्सा खाना कहा है? लेकिन ये सब क्या है? तो आप हैं प्रेम बाबू, श्रीमान प्रेम, हम भगवती हैं भगवती। भगवती प्रसाद या भगवती देवी? अब एक हो जी, तुम्हें लिंग का भी भेद नहीं मालूम? हम पुरुष लिंग है पुरुष लिंग। आखिर मैं ठीक कर रहा हूँ भैया। ये बताओ तुम्हारा हमारी बीवी के साथ में क्या संबंध है? वही संबंध तुम्हारा अपनी बीवी के साथ नहीं है। जो आदमी अपनी बीवी को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम उसे अपनी बहन बना सकते हो? क्या कहा बहन? क्या हम रहने दो, वो तुम्हारी बहन होगी। तुम उसे अपनी बहन बनाओ वरना मैं तुम्हारा कुटुंबा बना दूंगा। ये नहीं बनाऊंगा, बनाना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाओगे तो जूते खाओगे। ये लो तुमने इस भागा पंडित को मेरे को मैं झूठे बना कर मेरे पाप को बिठाओ। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। करो करो, मुझे भी बात करनी है। माँ को मैंने ज्यादा खाई है, तुमने भी खाई है। टेलीफोन इज नॉट वर्किंग। क्या तुम्हारा टेलीफोन मर गया? बाहर वाला बिल्ली मर गया, घर वाला बिल्ली जिंदा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं प्रेम साहब का प्यारा बोल रहा हूँ, नहीं मैनेजर बोल रहा हूँ। ये रॉकी नाम का एक फ्लॉप सिंगर जोड़ने को हमारे घर में बॉस को बिठा रहा है। तो
तो मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मेरा तो जी चाहता है सुई धागे से अपनी जबान सी लूं। पम्मी डालें, आओ बेटे आओ, रख सर तुम ब्रेकफास्ट, आओ बेटे। इसे कहाँ भूख लगती है, न जाने बाहर से क्या अचड़ बचड़ खाकर आती है। पम्मी क्या बात है बेटे, बताओ ना। डैडी पहले मम्मी को यहाँ से भेज दीजिए। हाँ, जो भेद बाप को बताया जा सकता है माँ से कहने में शर्माती होगी। मम्मी बेटे ऐसी कौन सी बात है जो तुम माँ के सामने नहीं बता सकती। कुछ ऐसी ही बात है डैडी। नहीं, तुम जो कुछ भी कहना है हम दोनों के सामने कहना होगा। कहीं तुम्हारे दिल के किसी कोने में प्रेम तो नहीं छुपा हुआ। याद रखो उलाका मुझे एक आंख नहीं भाता, मैं तुम पर प्रेम का छाया तक नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन डैडी उसका साया तो मुझ पर पड़ चुका है। क्या मतलब, तुम उसके साथ दोनों में जाती थी, नाचती थी, घूमती थी, फिरती थी, इसका मतलब ये नहीं उसको तोड़ने के संबंध में अधिकार था। डैडी आपने मुझे नया जमाने की नहीं डाली, आपने मुझे सोसाइटी में उठना बैठना सिखाया। लेकिन कोई अपने हाथ को कितना भी बजा कर रखे आखिर इंसान है, कहीं ना कहीं ठोकर खा जाता है, फूल कर जाता है। देख लिया आपका बोया हुआ पेड़ फल लाया है, कुछ दिनों के बाद इस घर में शहनाइयां बजेगी, आप नाना बनेगी और जब लोग आपसे बच्चे के बाप का नाम पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे। ये डांस पार्टी नाच गाना सब चीजों ने मिलकर आपके मन की मुराद पूरी कर दी। अच्छा हुआ अब आपको कभी भी हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका और आपकी बेटी का पाप गंगा जल से भी नहीं धुल सकता। देखते क्या हो, निकालो पिस्तौल, चलाओ गोली, पहली गोली मुझ पर और दूसरी अपने आप पर। मैं आपको मुबारकबाद तो देना ही भूल गया। मुबारकबाद, मुबारकबाद किस बात की। आप नाना जो बनने वाले हैं। प्रेम क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, आपको भी शर्म आती है। I'm so sorry, बुरा बाल दीजिए। चाहिए हरिद्वार में मेरा और मेरे माँ बाप का बड़ा अपमान किया था, दूसरे को भी मजा चुका था। प्रेम जो कुछ होना था हो चुका, मैं ज्यादा बहस से पढ़ना नहीं चाहता, मेरे गुरूर की गर्दन टूट चुकी है, मुझ पर मेहरबानी करो और पैमिला का हाथ अपने हाथ में लेकर मेरी लाज रखो, उससे शादी कर लो। शादी आप बहुत बड़े क्रक माने होते हैं, लेकिन हम भी कुछ काम नहीं। मिस्टर शंभुनाथ आपकी बेटी की शादी तो कई बरसों पहले हो चुकी है, तो तुम इस रास्ते भी बाकी। अगर हम जिस लड़की के साथ चीटिंग करते हैं पहले उसकी जन्मपत्री पढ़ते हैं। आई एम सॉरी, मैं मजबूर। शंभुनाथ जी
आपकी बेटी की शादी हो चुकी है और मेरी भी। इस वक्त मेरी बीवी जर्मनी में होगी। दो प्यारे प्यारे बेटे हैं मेरे। शगुना जी, आप तो जानते हैं आजकल के लोग कैसे होते हैं। अपनी बीवी को तलाक देने के लिए मुझे कम से कम 15 लाख रुपए खर्चा तो उसे देना पड़ेगा। What say, huh? जरा सोच के बात करो, खेल छोड़ो। ये खेल नहीं शगुना जी, जब मुझे ये खेल नहीं आता था तो दुनिया मुझे खेलाना समझ कर खेलती। अब मैं दुनिया से खेलता हूँ। अगर आप 15 लाख का बोझ अपने सीने में रखने को तैयार है तो मैं आपकी बेटी क्या किसी से भी शादी करने को तैयार हूँ। बच्चे 15 लाख रुपया कमाने के लिए एक उम्र चाहिए। शबुना जी, मुझ जैसा दामाद पाने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वैसे मैं ज्यादा बातें सुनने का आदि नहीं। अगर मेरी कम से कम क्षमता आपको सूट करें तो अपनी बेटी को मेरे यहां भेज देना। 15 लाख रुपया आप तक पहुंच जाएगा। 15 लाख मेरे घर आपके लिए। जानकी, बाकी सब लोग तो आ गए लेकिन प्रेम अभी तक नहीं आया। नहीं आया तो अच्छा है। गुड इवनिंग आंटी जी। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? आंटी जी, मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, मुबारकबाद देने आया। बधाई इस बाप को दो। लगने का मुहूर्त निकला जा रहा है, अभी तक दूल्हा नहीं आया। डोंट वरी पंडित जी, शादी वाली पगड़ी मैं भी लेकर आया, पहन लूं? Hi, Bubba, how are you, folks? Hello, everybody. Hi, Rocky, how are you? In India, when they get married, they wear these things. You like it? Shambhu, meet my German wife from Frankfurt. Hey, इस शादी में पहली बीवी को लाने की क्या जरूरत? Don't get worried, Shambhu. ये सिर्फ अपने 10 लाख रुपए लेने आई और चली जाएगी. What say, Shambhu? ये धन क्या धन होता है? असली लक्ष्मी को बुलाइए. Mr. Pandit, पहले असली लक्ष्मी को ले लूँ और फिर. बाद में दूसरी। मेरे 15 लाख की इंस्टॉलमेंट में से 10 लाख मेरे जर्मन ब्रांड वाइफ को दे दीजिए और बाकी के 5 मैं खुद रख लूंगा। ये 5 लाख तुम्हारे और बाकी के 10 लाख इसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, अर्जुन जर्मनी। ओम तदेव लग्नम सुजनं तदेवा तारा बलम चंद्र बलम तदेवा विद्या बलम दैव बलम तदेवा लक्ष्मीपति देन्द्रेशं करामि ओम अग्निवीणे पुरोहितं यज्ञश्च देव मृत्युजम् उदारं दत्तदातवम् अग्निपूर्वेभिरऋषिभिर्यो नूतनैरुत तदेवाम् एव गच्छति। 5 में से मैं खुद क्या खाऊंगा और तुम्हारी इस बेटी को क्या खिलाऊंगा? मेरा रोज 10,000 रुपए का खर्चा है। ये 5 लाख कुल मिला के मेरे 1.5 महीने का राशन है। बेटे, फैसला 15 लाख पे हो चुका है, अब बात को आगे क्यों बढ़ाते हो? फेरे लो फेरे। ठीक है शंभु, तुम आगे नहीं बढ़ना चाहते तो मैं ही पीछे चले जाता हूँ। सुनो बेटे सुनो। अरे घबराते क्यों हो? शादी कैंसिल करना तुम्हारे लिए कोई नई बात थोड़ी है, पहले भी तो कर चुके हो। तुमने ठीक कहा बेटे, कोई तो मिला इनके मुंह पे तमाचा मारने वाला। चुप रहो, तुम्हारी और क्या जरूरत है? अरे शम्स, जरूरत अपनी नहीं, जरूरत तो तुम्हारी है, तुम्हारी बेटी की। और मैं सोच रहा हूँ शंभू, जब तुम मुझे अपनी बेटी दे ही रहे हो तो इतने बड़े मकान में तुम दोनों अकेले रहकर क्या करोगे? इतना बड़ा कारोबार, 4-5 फैक्ट्रियां, ये सब मुझे ही दे दो। और घबराने की जरूरत नहीं, मैं अपना लॉयर भी साथ में लाया हूँ, सारे पेपर रेडी है। बेटे, मौके की नजाकत को समझो, मुझ पर रहम खाओ, मैं अपनी पगड़ी तुम्हारे पांव पर रखता हूं। ये 6 गज की पगड़ी ना हुई किसी बादशाह का ताज हो गया है।
निकल जाओ यहां से, मैं कहती हूं निकल जाओ यहां से। अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्यों तुमने मेरी आंखें खोली, मुझे समझा दिया कि औरत का स्वर्ग उसके पति के चरणों में, शादी के पवित्र बंधन में है, प्यार की खोखली दुनिया में नहीं। मैंने अपने पति को ठुकरा कर उससे प्रेम किया, जिसे अपना सब कुछ सौंपना चाहिए था, उसे ठुकरा कर तुम पर अपना सब कुछ लुटाया। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैं इस मॉडर्न सोसाइटी के रंग में रंग कर तुम जैसे घटिया इंसान को अपना पति बनाने चली थी। भगवती के पास चली जाओ, और अगर वो मुझे ना अपनाए तो गंगा में कूद कर जान दे दूं, क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूं, मैं उसके काबिल नहीं हूं। बेटी, मिस्टर शंभुना, अब ये शादी नहीं होगी। ये रहे तुम्हारे 5 लाख, ये 10 पूरे 15, और वो रही तुम्हारी बेहोश लड़की। तुम्हारा डालिंग लेट्स गो। प्रेम, सुनो बेटे, प्रेम मेरी दाद रख लो, प्रेम सुनो, शादी करवा, सुनो प्रेम सुनो, आए चलाऊ। So depressed. अपना आखिर अपना होता है, पराया पराया। आपकी इज्जत बचाने के लिए अभी रॉकी जिंदा है, पैमेला से शादी मैं करूंगा, फैक्ट्री आपकी, बंगला आपका, सिर्फ ये 15 लाख रुपए मेरे। माँ, माँ, यात्रा की तैयारी कीजिए पिताजी। क्या ना था बेटे, हम सब हरिद्वार पहुंचकर वहां पार्वती का इंतजार करेंगे। पहले क्या था तुम्हारा, पार्वती जीवन के उस मोड़ पर आ गई है जहां विदेशी छपेदार छोड़कर कैमरा से फिर पार्वती बन चुकी है। तू सच कह रहा है बेटा? हाँ माँ, प्रेम बनकर मैंने भगवती के अपमान का बदला ले लिया है। अब वो मेरे एक रूप से नफरत करती है और दूसरे से प्यार। आंटी, आप इन पर पूरा भरोसा रखिए, ये भगवती के दोस्त हैं। पैमला को भगवती से मिलाने के लिए हरिद्वार ले जाना चाहते हैं। करेक्ट, ले जाएंगे, वरना आपका तीसरा सुनील लो नहीं समझी, आपका तीसरा दामाद रॉकी भगवती को कॉल कर देगा। इसलिए मैंने पंडित प्यारे को उसके माता पिता के साथ हरिद्वार भेज दिया है और रॉकी को उल्लू बनाने के लिए खुद पेट बदल कर आया हूँ। आप आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपकी बेटी को और अपनी भाभी को हरिद्वार ले जाऊँ। आंटी, आप अंकल को समझा कर वहां ले जाइए, वरना पैमला की तीसरी शादी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने दूंगी। देवी, आपके पति का हनुमान और उसकी बानर सेना बिल्कुल तैयार है। आइए इस लंका को छोड़कर अयोध्या चले। ये शादी नहीं होगी। ये क्या कह रही हो? मैं कहती हूँ शादी नहीं होगी। अरे ओ पंडित जी, जी ये लो अपनी दक्षिणा और जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ। क्यों रे चपटे, ला मेरे रुपए और अपने सोने का चम्मच लेकर सीधी सड़क पकड़। जानकी, क्या भक्ति हो, बेटी को होश आया तुम्हारे हो जाते रहे, जल्दी पम्मी को लेकर आओ। अरे पम्मी हो तो लाओ ना, वो तो कब की पहुंच गई हरिद्वार। हरिद्वार? हाँ, लेकिन वहाँ उसका क्या काम है? जहाँ उसका गांव वहाँ उसका काम। कल तक तो अपने पति के चरण धो रही होगी। चले चले हरिद्वार जाने की तैयारी कीजिए। अरे हरिद्वार यहाँ से कितना दूर है, पहले भगवत के हमारे कब्जे में था, अब नहरे पे तहरा मारेंगे, हरिद्वार पहुंचते ही उसके मां को कब्जे में कर लेंगे। पार्वती, मैं जानता था तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने आई हूँ, मैं इतनी गिर चुकी हूँ कि अब तो गंगा का पानी भी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मेरे शरीर पे किसी और की छाप पड़ चुकी है, मैं इस जन्म में आपकी पत्नी नहीं बन सकती। मुझे तो मालूम है बेटे, तुम मेरी पत्नी हो और इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में हर रूप में तुम मेरी ही पत्नी रहोगी। न जाने पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे, जैसा जवाई मिला
मेरी मूर्खता थी भगवती, जो मैं तुम्हें धक्काता रहा, मुझे क्षमा कर दो बेटे। और जो दहेज में मैं तुम दोनों के बचपन की ब्याह में ले सका, उसे पार्वती के साथ स्वीकार करके उस पर एहसान करो बेटे। माया हाथ की मैल है ससुर जी, अब तो आप भी जान गए। मेरा असली धन पार्वती है, मेरी पत्नी। मैं आपका धन नहीं, मैं तो एक कलंक हूँ। फिर भी तुम मेरी हो पार्वती, जैसे भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा की पवित्र धारा का जन्म होता है, वैसे ही हमारे मिलन से इस आने वाली पवित्र संतान का होगा। शंभुनाथ, एक दिन तुम हमारे कुल की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर जबरदस्ती अपनी बेटी को हमारे घर से ले गए थे। आज 15 लाख की रिश्वत देकर उसी बेटी को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हो? पिताजी नहीं, ये बहू तो मेरी कहलाए, और जिस संतान को जन्म दे वो किसी और की हो। पिताजी भगवती, पिताजी आप पार्वती पैसा दोष नहीं लगा सकते, बड़ी मुश्किल से तो मेरा घर बसा है और आप उसे उजाड़ना चाहते हैं। मूर्ख, समय समय को देखकर बात करनी होती। तुम्हारी बारी है, जन्मदिन में बात। ए पंडित प्यारे, अपन तो कहता है कि धार में जाए ये संसार और भूल जाए इस पार्वती को। अरे पिताजी की बात सुन लो, वरना हर बार में कुरुक्षेत्र बन जाएगा। एक एक सब मेरे शत्रु कैसे बन गए? पंडित, आप पोंगा पंडित के पोंगा पंडित ही रहेंगे, कुछ समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे हाँ पंडित प्यारे, रॉकी। ओहो, अब समझा, अब समझा, सब समझ गया। महाराज की जय हो, हमारी विजय हो, जय हो गंगा माई। पिताजी अब मैं सब समझ गया, पार्वती कलंकिनी, पिता का क्रोध और माताजी गोल। अरे श्रीमान, अब आप मेरे नहीं बल्कि उस महान गवैये के ग्रैंड सिंगर, चम्मच वाले, मॉडर्न स्पून, महान व्यक्ति रॉकी के ससुर हैं। हाँ। अब आप सीधे जाइए और 15 लाख रुपए जाकर उसे दे दीजिए। मेरे भैया रॉकी भैया, भैया काश आप हरिद्वार में होते तो आप देखते कि 15 लाख रुपए आपके लिए रखे हैं। मेरी जान आपकी है, मेरी दूसरी जान भी आप ही की है। You know, you are a very intelligent chap. You'll come up. I'm sure you'll come up. Come on, baby doll. मैंने कहा था ना, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे मुंह में सोने का चम्मच था। तो भैया आपके पास सोने का चम्मच नहीं, एक बहुत बड़ा सोने का कलछा बनाना। नहीं, आपकी बार दो बनाऊंगा, एक सोने का अपने लिए, दूसरा लोहे का तुम्हारे लिए। पूज्य मैनेजर भैया, मेरी मैया को छोड़ दो ना। Yeah.
घबरा मत बेटा, ये खून किसी के काम आया। आंटी, आपने मेरी जान बचाई है। अरे पगली, ये जो गंगा मैया की धारा बह रही है, ये प्यार की धारा है, हर माँ के दिल में बह रही है। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तेरी माँ को क्या जवाब देती। मेरी कोई माँ नहीं है। माँ नहीं है? आज से मेरा एक बेटा नहीं, दो बेटे हैं। बेटा, माँ जी, भगवान की जरूरत नहीं पार्वती, भगवान की दया से माँ जी ठीक है। और जो मेरे इमोशनल और मैं देखने वाला क्यों क्यों चिरप चिरप क्या हुआ? ओ क्या हुआ जान के मुझे मेरे चपड़े क्या हुआ क्या हुआ? आप आ रहे हैं? मैं ही राहु, मैं ही केतु, मैं ही चंद्र, मैं ही तुम्हारा भगवती ही प्रेम है। इस बात की मेरे माता पिता साक्षी है। तुम्हारी भी थी और गलती मेरी भी। तुम बहुत आगे निकल गई थी और मैं बहुत पीछे रह गया था। सुखी जीवन का एक ही मार्ग है पार्वती, और वो है मध्यम मार्ग। गंगा घाट का पानी पिया है, गंगा घाट का पानी पिया है, सब सबको मैं पानी मिला दूंगा। गंगा घाट का पानी पिया है, अब सबको मैं पानी मिला दूंगा। मुझको भला समझते हो क्या, तुम्हें हरी धार पहुंचा दूंगा। गंगा घाट का पानी पिया है, अब सबको मैं पानी मिला दूंगा। भगवती पांडे जी की है।